हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। तो आप देख पा रहे हैं सामने दिस सेंटेंस करेक्शन प्रैक्टिस, और आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के भूल जाइए सिलेक्शन। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन आपको देंगे, पहले आपको 30 सेकेंड मिलेगा उसका आंसर देने के लिए, और 30 सेकंड के ठीक बाद मैं बताऊंगा कि किस पार्ट में एरर है। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। टाइम आपका शुरू है। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। 17 सेकंड, 18, 19, 20, 21, 22, एग्जैक्टली 30 सेकेंड में आपको देने वाला हूं, और लास्ट के 3 सेकेंड बचे हैं, टाइम अप। तो द करेक्ट आंसर इज, यहां पर नॉट का यूज नहीं होगा। लॉजिक क्या है, लिस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, मीन्स लिस्ट इज इटसेल्फ अ नेगेटिव सेंटेंस, और लिस्ट वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है। तो सी पार्ट में एरर है। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। नो एरर। टाइम इज गोइंग। 7 सेकेंड, 8, 9, 10, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। देखता हूं कितने लोग सही जवाब निकालते हैं। ओके, 20 सेकेंड, 21, 22, ओ टाइम अप। ओके, तो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से नहीं होता। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आप कैसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाए, मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाए। तो यहां कैसे की इंग्लिश तो है ही नहीं। मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मींस यहां पे टू के पहले हाउ आएगा। और याद रखिएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर जब भी एग्जाम में आए, नो के बाद कोई ना कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। खैर, वहां पे वो कंजंक्शन का काम कर रहा होगा, नो के बाद हाउ, वेयर, हु, इस तरीके के इंट्रोगेटिव वर्ड जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। इजी क्वेश्चन, ओनली 20 सेकेंड। एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। 13, 14, 15, 16, हो टाइम अप। मैरिड के साथ विद नहीं लगता, मैरिड टू होता है। इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इट वॉज क्वाइट इजी एंड इट हैज बीन रिपीटेड इन एग्जामिनेशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेनेवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। सी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेनेवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। 15 सेकेंड ओवर, 16, 17, 18, 22, 23, मेक इट फास्ट। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको नरेशन पढ़ने की जरूरत है। नरेशन में सी सेड ये पास्ट में है, तो ये विल नहीं रहेगा बल्कि वुड होगा। इनडायरेक्ट नरेशन में विल का वुड हो जाता है। चार मॉडल एक्सिलरीज हैं, चारों बदल जाते हैं इनडायरेक्ट में। कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड और मे का माइट। तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओकला। सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं ये एग्जाम के आए हुए हैं, तो दीज आर मस्ट कैटेगरी, आपको पता ही पता होना चाहिए। 20 सेकेंड ओवर, 21, 22,
make it fast. ओके देखते हैं कितने लोग कर पाए. ए पार्ट में एरर है, बीइंग अ फाइन डे नहीं होता है. करेक्ट एक्सप्रेशन इज बीइंग इट अ फाइन डे. जब कभी भी किसी नॉन लिविंग के साथ या किसी कंडीशन के साथ होगा तो बीइंग के बाद इट आएगा, और अगर किसी लिविंग के लिए है तो सीधा आ सकता है. ठीक है, जैसे मेरा दोस्त होने के नाते बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से हो सकता है. बट अगर मैं बोल दू बरसात का दिन होने के नाते being it a rainy day, तो यहां being और a के बीच में it आएगा. Next question. Many a man have been working under me, no error. It's easy, मैं 20 सेकेंड ही दूंगा. Many a man have been working under me, no error. 16, 17, 18, 19, 20. Time up. Many a expression जब कभी भी इंग्लिश में आएगा याद रखिएगा ये सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ मैन लगा है, दिस इज करेक्ट. बट यहां पर हैव लगा है, यहां पर हैज होना चाहिए. अगर सिंगुलर है तो ये हैव यहां क्या कर रहा है. इट वॉज क्वाइट इजी. योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स. Very easy. Keep all 15 seconds. 10, 11, 12, 13, 14, 15. याद रखिएगा superior to होता है. वो सारे comparative adjective जिनके spelling के last में I O R आए, उनके बाद then नहीं लगता, बल्कि to लगता है. Superior to. Next question. I told him the story in details to make him understand it fully. I told him the story in details to make him understand it fully. Time starts 15, 16, 17, 18. Yes, do it. I told him the story in details to make him understand it fully. Okay. टाइम अप. याद रखिएगा इन डिटेल्स नहीं होता, इन डिटेल होता है. अगर कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता. तो याद रखिएगा इन डिटेल्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, इन डिटेल है करेक्ट वर्ड. लास्ट क्वेश्चन, शायद सेकेंड लास्ट. कैटल्स, हाँ नाइन्थ क्वेश्चन है तो इसके बाद एक और है. कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द meadows near our farm. It is easy. Yes, last 4 seconds. 3, 2, 1, 0. Cattle होता ही नहीं है. Cattle खुद में plural है, उसके साथ s लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे आप चिल्ड्रंस बोल देते हैं, गलत है. द करेक्ट इज चिल्ड्रेन. पीपल्स ना, पीपल ऑलरेडी ये सब प्लूरल वर्ड हैं, तो कैटल्स नहीं बल्कि केवल कैटल. लास्ट क्वेश्चन. यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, नो एरर. 15 सेकेंड ओनली. यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज. ओ टाइम अप. अभी मैंने बताया था कि अगर लास्ट में आई ओ आर है तो उसके बाद देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है. सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इन सबके साथ टू लगता है. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल.